दोस्तों, अरबों साल पहले ही एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाली इंसान अंतिम सांस ले चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर साल 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग का 82 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। लेकिन चांद तक का सफर आसान से आसान बनाने के लिए तमाम तरह के टेक्निक पर साइंटिस्ट ने काम करते ही रहते हैं। फ्यूचर में बुलेट ट्रेन से कैसे चांद तक का सफर किया जा सकता है, उसके लिए जापान ने एक शानदार टेक्निक पर काम कर रहा है। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट पृथ्वी के बाहर की दुनिया तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शोध रिसर्च करते रहते हैं। जहां चीन मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहा है, रूस और चीन चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन की योजना बना रही है, और अमेरिका फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रही है। वही दूसरी ओर जापान में भी बुलेट ट्रेन और आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट की प्लानिंग बना रही है। ऐसे में इंसान की किसी अन्य ग्रह पर रहने की जो सपना है, वो जल्दी ही पूरा हो सकता है। अब जापान ने एक बहुत बड़ी योजना पर काम करने का ऐलान किया है। दरअसल वो धरती से एक बुलेट ट्रेन चांद तक ले जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, ट्रेन पहले चांद तक जाएगी, इसमें सफल होने के बाद इसे मंगल ग्रह तक भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसान को ऐसे आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में रहना जिसका वातावरण धरती के समान होगा। आमतौर पर कम ग्रेविटी वाले स्थानों पर इंसान की मांसपेशियां और हड्डियों कमज़ोर हो जाती है, इसलिए आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट में इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। वहाँ ग्रेविटी और वायुमंडल पृथ्वी के जैसा ही होगा। फ्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर ये योजना बनाई है, जिसमें ये ग्लास एक कोन जैसा ही होगा, जो इंसान के लिए रहने का स्थान होगा। करीब 1300 फीट लंबी इस इमारत में आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी। साथ ही इंसानों के लिए सभी जरूरी चीज़ें जैसे सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, हरे भरे इलाके, जल स्रोत, नदियाँ, पार्क, पानी आदि मौजूद होगा। 2050 तक इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। वही फाइनल वर्जन में करीब एक सदी का समय लग सकता है। चांद पर बनने वाले इस ग्लास कॉलोनी का नाम होगा लूना ग्लास। वही मंगल ग्रह पर बनने वाली कॉलोनी का मार्स ग्लास नाम से जाना जाएगा। दरअसल फ्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन मिलकर स्पेस एक्सप्रेस नाम की बुलेट ट्रेन पर काम करने जा रही है। ये ट्रेन धरती से चांद और मंगल ग्रह के लिए चलेगी। ये एक इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, जिसे हेक्सा ट्रेक नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है जापान ने भी इस कार्य में सफल होगा और आने वाले टाइम में चांद के सफर आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।